आपको बेसिक पे मिल जाएगा 44,900 रुपीस, साथ में बेसिक पे का 34% डीए मिल जाएगा 15,266 रुपीस, साथ में टीपीटी अलाउंस मिल जाएगा। तो भारत का कुछ सिटियां है जहां पर मैक्सिमम टीपीटी अलाउंस दिया जाता है, तो अगर आपका पोस्टिंग उन सिटियों में होता है तो भी आपको मैक्सिमम टीपीटी अलाउंस मिल जाएगा 4,824 रुपीज़। अगर आपका जॉइनिंग एक्स क्लास सिटी में होता है तो भी आपको बेसिक पे का 27% हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा 12,123 रुपीज़। तो सब कुछ मिलाकर आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा 77,113 रुपीज़। अभी आपका जो बेसिक पे एंड डीए है उसका 10% ईएमपी टायर वन जो न्यू पेंशन पॉलिसी है वो डिडक्शन हो जाएगा 6,017 रुपीस, एंड CGEGIS जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है वो डिडक्शन हो जाएगा 60 रुपीस, एंड CGHS जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है वो डिडक्शन हो जाएगा 650 रुपीस। तो ग्रॉस सैलरी से सब कुछ डिडक्शन होने के बाद आपको नेट सैलरी मिल जाएगा 70,386 रुपीज़। अगर आपका जॉइनिंग एक्स क्लास सिटी में होता है लेकिन अगर आपको मिनिमम टीपीटी अलाउंस मिलता है 2,412 तो भी आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा 74,701 एंड नेट सैलरी मिल जाएगा 67,974 रुपीज़। अगर आपका जॉइनिंग वाई क्लास सिटी में होता है तो भी आपको बेसिक पे का 18% हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा 8,082, तो भी आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा 73,072 एंड नेट सैलरी मिल जाएगा 66,345 रुपीज़। अगर आपका जॉइनिंग वाई क्लास सिटी में होता है लेकिन अगर आपको मिनिमम टीपीटी अलाउंस मिलता है तो भी आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा 70,660 रुपीस एंड नेट सैलरी मिल जाएगा 63,933 रुपीस। अगर आपका जॉइनिंग जेड क्लास सिटी में होता है तो भी आपको बेसिक पे का 9% हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा 4,041 रुपीस, तो भी आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा 69,031 एंड नेट सैलरी मिल जाएगा 62,304 रुपीज़। अगर आपका जॉइनिंग जेड क्लास सिटी में होता है लेकिन अगर आपको मिनिमम टीपीटी अलाउंस मिलता है तो भी आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाएगा 66,619 रुपीज़ एंड नेट सैलरी मिल जाएगा 59,892 रुपीज़। मैक्सिमम टू चिल्ड्रेन को हर महीने में 2,250 रुपीज़ का चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, साथ में पूरा फैमिली को फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। कुछ सिटियां है जहां पर हायर रेट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो अगर आपका पोस्टिंग हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत ऐसा सिटी पर होता है तो आपको हायर रेट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितना भी सिटियाँ है वो एक्स क्लास एंड वाई क्लास सिटियाँ है। इन सिटियों को छोड़कर भारत का जितना भी सिटियाँ है वो जेड क्लास सिटियाँ है।